बिहार जनता दल यू में उमेश कुशवाहा जनता दल यू के नए प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना में 11 और 12 तारीख को जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी उसमें विधिवत ललन सिंह के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है तो वो आरसीपी सिंह के सीट खाली होने की वजह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से लगभग सहमति बन चुकी है और 11 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में पटना में विधिवत उनके नाम का प्रस्ताव लाया जाएगा और जो 500 डेलीगेट्स जो कि उसके मेंबर हैं वो तमाम डेलीगेट्स उनके नामों पर अपनी सहमति जताएंगे और फिर 12 तारीख को विधिवत ललन सिंह को एक बार फिर से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच उमेश कुशवाहा जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब होने के बाद से बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात थे वो निर्विरोध एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कल विधिवत उनको सर्टिफिकेट दे करके प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी से नवाजा। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जदयू में भी चुनाव की परंपरा तो है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की इस परंपरा में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। यही वजह है कि उमेश कुशवाहा एक बार फिर से बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 11 और 12 तारीख को जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह के नाम की घोषणा हो सकती है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।